पार्टी का ऐलान किया है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके जाने भर से जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के विरुद्ध मोर्चा बनना है उसका कोई वजन कम हुआ है। लेकिन सर, जब अपोजिशन यूनिटी की बात होती है उस बीच जब इस तरह की खबरें आती है तो एक 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 कमजोर स्थिति तो बनती है कि फिर कौन सी पार्टी। 2024 आते आते विपक्ष के कई नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ खड़े होंगे, दिखेंगे, ये पहले भी हो चुका है। इससे जेडीयू के सेहत पे नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जो विकल्प बनाने का सपना हम लोगों का है उसकी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर यूपी में देखिए, यूपी का बजट सत्र का पहला दिन था और सपा के विधायकों ने गवर्नर गो बैक के नारे लगाए। आजकल ज्यादातर राज्यों में गवर्नर को लेकर जो स्थिति आ रही है वो पहले नहीं देखी जाती थी। सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं गवर्नर के भाषण के दौरान वो गड़बड़ी करते हैं, व्यवधान करते हैं, ये नई परंपरा है। लेकिन जो सवाल समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उठाया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनका सब चीज लुट गया है, उनके पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह तक ले लिया गया, लेकिन ठाकरे का नाम कोई नहीं ले सकता और जो चुनाव आयोग का फैसला है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। चुनाव आयोग के कई फैसलों पर सवाल उठे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक क्वेश्चन मार्क लगा चुका है चुनाव आयोग के चयन पर भी और फैसले पर भी। इसलिए नए संदर्भों में इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 1984 सिख दंगे की आग की लपटों में राजनीतिक पार्टी झुलसती रही है, खासकर कांग्रेस। लेकिन जगदीश टाइटलर जो आरोपी में से एक हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने AICC का सदस्य बनाया है, जिसको लेकर फिर वो भाव ताजे हुए हैं और सवाल उठ रहे हैं। यद्यपि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, फिर भी मित्र पार्टी के नाते मैं चाहता हूँ कि श्री जगदीश टाइटलर जैसे 1984 के दंगों के आरोपियों को सार्वजनिक तौर पर महिमामंडित नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल सर यह है कि जुनैद और नसीर जो भिवानी की घटना है वो आपको पता है, इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली आवास पर पथराव हुआ। उनका कहना है जब जुनैद और नसीर को जिंदा जलाया जा सकता है तो उनकी क्या हैसियत है। श्री ओवैसी से हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन वो इस संसद के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। उनके ऊपर जो कायराना हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में असहमति का स्थान है, हिंसा का नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।